नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, आज मैं रीजनिंग की सेकंड क्लास लेकर के आया हूँ, एनालॉजी वाली। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि पहली क्लास आपको बहुत अच्छी लगेगी और बहुत अच्छी लगी होगी। अब मैं दूसरी क्लास के कुछ बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन मैं आपको लाया हूँ इस क्लास में। इनको आप पढ़िएगा, समझिएगा और मुझे फिर कमेंट करके बताइएगा कि सर हाँ, ये कैसा लगा आपको सेशन हमारा। ठीक है, चलिए आओ देखते हैं पहले क्वेश्चन पर। मैं बता दूं, पॉइंट हमारा अभी भी कौन सा चल रहा है बेटे? एनालॉजी चल रहा है। ठीक है, एनालॉजी की हमने एक सीट कवर कर ली है, आपको वो हैज़ वन करके मिल जाएगी यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हैज़ टू करके आपको यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है, चलिए। देखिए प्यारे बच्चों, ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और कई बार ये पूछे हुए परीक्षाओं के भी मैंने इसमें लिए हैं। अधिकतर क्वेश्चन तो मैं वही लेता हूँ जो विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में आए हुए हैं। ठीक है, पढ़ो। कह रहा पोमोलॉजी का संबंध, पोमोलॉजी का मतलब होता है एक प्रकार की साइंस है, एक प्रकार का विज्ञान है जो अध्ययन करता है बेटे किसका? फलों का अध्ययन करता है। उसी प्रकार बोटनी, बोटनी का संबंध बेटे किससे होगा? पौधों से होगा। ठीक है, हाँ एक और बात मैं बता दूं प्यारे बच्चों, मैं ज़्यादा इसमें मतलब कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जो हम इसमें लंबी चौड़ी चर्चाएं करें, बहस करें। इसमें मैं सीधे क्वेश्चन पढ़ता हूँ और आपको आंसर बता देता हूँ। उसके पीछे रीजन ये है, मैंने आपको पहले दिन ही बताया था कि एनालॉजी का मतलब क्या होता है। एनालॉजी का मतलब ये होता है कि आपको हाइएस्ट वर्ड ढूंढना है। हाइएस्ट वर्ड यानी कोई भी शब्द आपको दे तो उस शब्द की आपको उच्चतम अवस्था ढूंढनी है। ठीक है, वही आपका आंसर बन जाता है। ओके चलो, तो पहला हो चुका है हमारा, दूसरा देखना अब आप देखना। ये विलोम शब्द है एक प्रकार से, उच्च निम्न, उच्च यानी ऊंचा, निम्न यानी नीचे। ठीक है, उसी प्रकार एड़ी, तो फिर आंसर आ गया इसका चोटी। ठीक है, आगे देखिएगा। कह रहा है संबंध मालिक का मालकिन के साथ है, तो उसी प्रकार चाचा का किसके साथ होगा? तो चाचा का हमेशा संबंध होगा किसके साथ बेटा? चाची के साथ। इनमें से कोई सा मत लगा देना। अच्छा नेक्स्ट, ये देखिए बहुत अच्छा शब्द है, दुर्घटना। दुर्घटना का संबंध है बेटे सावधानी से, यानी सावधानी बरतोगे तो दुर्घटना नहीं होगी, या फिर ऐसे समझो कि दुर्घटना हुई है तो क्यों हुई है, जब आपने सावधानी नहीं बरती होगी। उसी प्रकार बीमारी से बचना, तो बेटे इस इनमें से किसका ध्यान देना पड़ेगा? स्वच्छता का ध्यान देना होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, इसे पढ़िए। चिड़िया का संबंध बेटे किसके साथ है? घोंसले के साथ है ना। चिड़िया हमेशा कहाँ रहती है? घोंसले में रहती है। उसी प्रकार बेटा खरगोश हमेशा कहाँ रहता है? बिल में रहता है। इसका आंसर हो गया बेटे डी। समझ में आ रहा है? उम्मीद करता हूँ बेटे ये सब बढ़िया समझ में आ रहे होंगे आप लोगों के। ठीक है, देखो इसे पढ़ो। हिन हिनाना, हिन हिनाना एक प्रकार की आवाज़ होती है जो घोड़ा निकालता है। ठीक है, उसी प्रकार दहाड़ना, दहाड़ना एक प्रकार का साउंड है जो कौन निकालता है हमेशा? लॉइन यानी शेर निकालता है। ये रहा ऑप्शन सी पर, इसे पढ़िए। कह रहा है जिस प्रकार घर का संबंध आश्रय से है, यानी मैं कह सकता हूँ कि घर में आपको क्या मिलता है? आप कहेंगे सर आश्रय मिलता है, रहने को मिलता है हमें। उसी प्रकार से प्यारे बच्चों स्कूल में आपको क्या मिलेगा? आप कहेंगे सर स्कूल में हमें शिक्षा मिलती है हमेशा। ठीक है, तो शिक्षा देखो है ऑप्शन में, ये रहा पहले ऑप्शन में। नेक्स्ट नेक्स्ट कह रहा है जिस प्रकार जन्म का संबंध मृत्यु के साथ है। देखो मैंने क्या बताया, हाईएस्ट वर्ड ढूंढना है, जन्म तो मृत्यु निश्चित है, मृत्यु निश्चित है तो इसका मतलब जन्म भी हुआ होगा, है ना। तो जन्म का संबंध मृत्यु के साथ है, उसी प्रकार जीवन का संबंध किसके साथ होगा? जीवन है तो मरण है, तो पहला वाला इसका आंसर होगा मरण। ठीक है, आ रहा समझ में? चलिए आगे चलते हैं, ये पढ़िए। पहाड़ घाटी, पहाड़ों में, मेरी बात सुनना, रिलेशन मैं बता रहा हूँ, एनालॉजी पहचानने की कोशिश आप करिए, रिलेशन मैं बता रहा हूँ। कह रहा पहाड़ का संबंध घाटी से है, तो आप ऐसे समझो बेटे पहाड़ में घाटियाँ होती हैं। उसी प्रकार शत्रु, तो शत्रु में क्या होगा? संघर्ष होगा, यानी शत्रु बनेंगे तो क्या हमेशा करते रहेंगे? आप संघर्ष करते रहेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया आपका संघर्ष। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे देखना। चित्र, चित्रों को आप क्या कर रहे हैं प्यारे बच्चों? देखते हैं। हाँ सर चित्र हमें दिखाई दे रहा है, ये चित्र है, ये चित्र है, ये चित्र, हम क्या करते हैं कि हाँ सर हम देखते हैं उन चित्रों को। तो उसी प्रकार पुस्तक को क्या करते हैं? पुस्तक जब भी आप पेज पलट रहे होते हैं तो क्या कहते हैं कि सर हम पुस्तक को पढ़ रहे हैं। ये है पढ़ना। ठीक है नेक्स्ट, इसे पढ़िए। गोल फुटबॉल, यानी एक गेम है फुटबॉल, फुटबॉल का एक टारगेट शब्द है, एक अंतिम लक्ष्य है गोल करना। उसी प्रकार वास्केट, वास्केट भी एक गेंद होती है, उसका अंतिम जो टारगेट होता है बेटे वो होता है वास्केट बॉल में डाल देना। ठीक है, तो गोल यानी फुटबॉल से संबंधित है, उसी प्रकार वास्केट वास्केट बॉल से संबंधित है। ओके नेक्स्ट, पक्षी,
पक्षी हवा में कैसे उड़ते हैं? हवाई जहाज की तरह उड़ते हैं। उसी प्रकार मछली कैसे चल रही होगी? नाव की तरह चल रही होगी। या फिर ऐसे समझो, पक्षी और हवाई जहाज आसमान में उड़ते हैं, उसी प्रकार मछली और नाव कहाँ चलते हैं? पानी में चलते हैं। ठीक है, बाकी आप सोचेंगे सर मछुआरा सोफा इनका कोई लेना देना नहीं है इस क्वेश्चन से। नेक्स्ट, प्रकाश सूर्य, यानी सूर्य एक माध्यम है जिससे हमें क्या मिल रहा होता है बेटे? प्रकाश। सूर्य से हमें क्या मिलता है? प्रकाश मिलता है सर। उसी प्रकार ऊष्मा, ऊष्मा हमें किससे मिलती है? तो ऊष्मा हमें हमेशा अग्नि से मिलती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ भाई समझ में आ रहा होगा आप लोगों के। ठीक है, इसे पढ़ो। फल छिलका, यानी फल का जो बाहरी आवरण होता है उसे बोलते हैं छिलका। इसी प्रकार बाघ, तो बाघ का बाहरी आवरण क्या होता है बेटे? चर्म, जिसे हम बोलते हैं खाल, है ना? तो चर्म वाला ऑप्शन ए की है, बाघ चर्म। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, शरीर कंकाल, शरीर किससे मिलकर बना होता है सर? कंकाल से, या काल का जन्मदाता ही क्या बनता है फिर? शरीर। ठीक है, उसी प्रकार नेपाल में कौन है? एवरेस्ट है सर। ये रहा ऑप्शन नंबर डी, यानी ऐसा समझो शरीर में कंकाल और एवरेस्ट नेपाल में। ठीक है, बाकी ये सब भारत की श्रेणी है, भारत के पर्वत हैं, भारत में पाए जाते हैं, बट एवरेस्ट कहां पाया जाता है? नेपाल में। नेक्स्ट, नौका, नौका चलाने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ रही होती है? चप्पू की जरूरत पड़ रही होती है सर, है ना? तो उसी प्रकार से हमें बस चलाने के लिए स्टीयरिंग की जरूरत पड़ती है। स्टीयरिंग मतलब जो गोल गोल सा पहिया होता है उसे हम बोलते हैं चालन चक्र बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट, कब समय, तो कब मैंने पूछा, कब तो कब दर्शा रहा है किसको? समय को दर्शा रहा है। उसी प्रकार कहां, तो मैंने कहा कहां, तो आपने कहा सर कहां जो दर्शाता है वो जगह को दर्शाता है, तो कहां का मतलब क्या हो गया फिर? जगह। इसका आंसर होगा बी, जगह। नेक्स्ट, स्पर्श, कोई हमको स्पर्श करता है तो हमें क्या होता है बेटे? महसूस होता है, फील करते हैं हम उस चीज को। स्पर्श करना, महसूस करना, तो अभिवादन, अभिवादन मतलब शिष्टाचार, अभिवादन मतलब वेलकम करना किसी का, तो वो क्या कहलाता है हमारा? शिष्टाचार करना। ठीक है, इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट, मांस शाकाहारी शराब, बेटे मांस, मांस छोड़ देने वाला व्यक्ति ही क्या कहलाता है? शाकाहारी कहलाता है सर। उसी प्रकार को शराब छोड़ देने वाला व्यक्ति कहलाता है त्यागी, यानी त्याग देने वाला, मद्य यानी शराब, मद्य त्यागी कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करता हूँ भाई समझ में आ रहा है, नहीं मुझे जरूर बताना है कमेंट करके कि हाँ सर समझ में आ रहा है, बढ़िया क्वेश्चन लगाए थे आपने। ठीक है, अदालत न्याय विद्यालय, अदालत में क्या मिलता है आपको? आप कहेंगे सर अदालत में हमें हमेशा न्याय मिलता, उसी प्रकार विद्यालय में आपको हमेशा क्या मिलती है इनमें से? शिक्षा। ऑप्शन नंबर सी इसे पढ़िए। रुधिर विज्ञान, ये भी एक प्रकार की विज्ञान है जहां किसी चीजों का अध्ययन किया जाता है, तो जैसे रुधिर विज्ञान तो इसमें ब्लड का अध्ययन किया जाता है, रक्त का। उसी प्रकार शैवाल विज्ञान, शैवाल विज्ञान में हमेशा अध्ययन होता है बेटे शैवालों का। ये रहा ऑप्शन डी। ठीक है, ये देखना, बटुआ धन, बटुए में क्या होता है? धन होता है, तो उसी प्रकार लिफाफे में क्या होगा इनमें से? पत्र होगा। ओके, ऑप्शन नंबर ए। गुर्दे नेफ्रोन, गुर्दे संबंधित है नेफ्रोन से, है ना? उसी प्रकार केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी जो मस्तिष्क पूरा होता है वो किससे संबंधित होता है? न्यूरॉन्स। ठीक है बेटे, न्यूरॉन्स, ऑप्शन नंबर बी। कीट, कीटों का अध्ययन किसमें कर रहे होते हैं हम? कीट विज्ञान में। उसी प्रकार सर्प, तो सर्प विज्ञान कहां है? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट, वो देख लेना आप। पुस्तक, पुस्तकालय, पुस्तक में क्या है? पुस्तक, पुस्तकालय यानी पुस्तक कहाँ मिलती है सर? पुस्तकालय मिलती है, तो फिर वृक्ष कहाँ मिलेंगे आप ही बोलो? आप कहेंगे सर वन में मिलेंगे, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आम, आम भैया क्या है? एक बढ़िया फल है, एकदम मस्त वाला फल है आम। तो फिर आलू क्या है? आलू होता है तना। ये रहा तना। ठीक है, ये जड़ वर्ण मत लगा देना, आलू होता है तना, ऑप्शन नंबर ए। पढ़ो भैया 27वां। महासागर प्रशांत, यानी हम कह सकते हैं कि महासागर जो होते हैं ना, महासागर वो सबसे बड़ा या सबसे अच्छा या सबसे सुंदर, सबसे गहरा, वो कौन सा महासागर है? प्रशांत महासागर है। ठीक है, उसी प्रकार द्वीप में अगर मैं सबसे अच्छे की बात करूं, सबसे बड़े की बात करूं, तो एक होता है इनमें से ग्रीनलैंड। इसका आंसर होगा डी। ओके, नेक्स्ट, गहरा उथला, बेटे ये पहली बात तो दोनों एक से होते हैं, गहरे का मतलब भी गहरा होता है, उथले का मतलब भी गहरा होता है, बट सेंस की बात है। जैसे महासागर के लिए, इसे मैं बता देता हूं आपको, महासागर के लिए क्या यूज करा इन्होंने? गहरा। महासागर कैसे होते हैं? गहरे। उसी प्रकार तालाब, तालाब कैसे होंगे प्यारे बच्चों? तालाब होंगे उथले, तो इनमें से पहले का आंसर आ गया तालाब। ठीक है, चलो आगे चलते हैं।
ये पढ़ो, तट समुद्र, तट समुद्र, अच्छा किनारा नदी, तो फिर किनारा कहाँ मिलेगा आपको, नदी में। नेक्स्ट, ये इसके लिए थोड़ी जीएस पर जरा कमांड अच्छी कर लेना आप लोग, येन, ये करेंसी होती है, येन मुद्रा है जापानी की, रूबल होती है बेटे रूस की, ठीक है। नेक्स्ट, भीम काय, भीम काय एकदम विशाल, बहुत बड़ा, एकदम से विशाल काय कोई, और फिर भीम काय का अपोजिट क्या होता है, बोना, बोना, उसी प्रकार प्रतिभाशाली है तो कोई क्या होगा, मूर्ख होगा, तो मूर्ख ये रहा ऑप्शन सी पर, ठीक है, आ रहा समझ में। सूखना आर्द्रता, आर्द्रता का मतलब होता है नमी, कहीं गीली जगह को हम बोलते हैं आर्द्रता या नमी बोल देते हैं ना, तो आर्द्रता अगर हट जाए, इसे मैं समझाता हूँ, देखो अगर आर्द्रता सूख जाए यानी आर्द्रता खत्म हो जाए तो फिर वो जगह कैसी हो जाएगी, सूख जाएगी, उसी प्रकार से धुंधला, तो धुंधला कब होगा ये तो हटा दो, तो प्रकाश, अगर प्रकाश थोड़ा सा छट जाए तो हम वहां क्या कहेंगे कि वो मंजर कैसा हो गया था, फिर धुंधला हो गया था सर, ठीक है। चलो नेक्स्ट, जिस प्रकार गैस का संबंध ऑक्सीजन से, आप सुनना मेरी बात, इन्होंने गैस हमेशा ऑक्सीजन ही क्यों ली, बहुत सारी गैसें होती हैं बेटे, एक रिलेशन ढूंढो सबसे, जो ऐसे समझो प्राणदायक जो वायु है वो हमारे लिए गैसों में गैस है एक, जिसका नाम है ऑक्सीजन। उसी प्रकार द्रव, द्रव तो बहुत सारे होते हैं ना, बहुत लिक्विड होते हैं, तो द्रव, लेकिन हमारी नजरों में जो द्रव है ना, वो याद रखना ऑलवेज क्या है, पानी। ओके नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, इसे पढ़ो बेटा, चूहे का संबंध बिजली, अरे बाप रे बिजली नहीं है ये है बिल्ली, ठीक है, ये क्या है, बिल्ली। चूहे का संबंध किसके साथ है, बिल्ली, यानी बिल्ली किसको खाना पसंद करती है, चूहे को पसंद करती है। उसी प्रकार मक्खी किसका बढ़िया भोजन है, तो आप कहेंगे सर मकड़ी, यानी मकड़ी मक्खी को खाती है, ऐसे समझना, ठीक है, तो ये रहा ऑप्शन। नेक्स्ट, इसे पढ़ो, हॉकी जिस प्रकार भारत से संबंधित है, यानी भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है भैया, हॉकी, हॉकी है, उसी प्रकार कह रहा अमेरिका का कौन सा होगा, तो अमेरिका का आपको मैंने क्या कहा, जीएस अच्छी होनी चाहिए, अमेरिका का होता है बेसबॉल है क्या कहीं, हाँ ये रहा बेसबॉल, ठीक है सी। नेक्स्ट, जिस प्रकार एमीटर, बेटे ये मापन यंत्र है एक दूसरे के, यूनिट है ये, तो एमीटर संबंध है विद्युत धारा से, यानी विद्युत धारा को मापने के काम में कौन आता है, एमीटर। उसी प्रकार विभवांतर, विभवांतर का मतलब होता है वोल्ट मीटर, ये रहा ऑप्शन नंबर डी पर, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट भैया, सत्य का संबंध झूठ से, यानी सच झूठ, सत्य झूठ। उसी प्रकार उतराना, उतराना कोई वस्तु पानी पर तैर रही है, उतरा रही है, देसी भाषा में उतराना, तो उतरा रही है तो फिर हम कहेंगे डूब जाएगी, फिर डूबना, ठीक है। नेक्स्ट, जिस प्रकार बैंक का संबंध धन के साथ होना है, यानी बैंक पार्टिकुलर एक चीज से संबंधित रखती है जिसका नाम है धन। उसी प्रकार परिवहन, परिवहन का संबंध किसके साथ होता है बेटे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं बता रहा हूँ आपको, इसे हल्के मत लेना। परिवहन का संबंध, पहले ये देखो, बैंक का संबंध किसके साथ था, धन के साथ था, उसी प्रकार परिवहन का संबंध हमेशा माल के साथ होता है, याद रखना। सड़क, आवागमन, ट्रैफिक, गति, इससे कोई भी लेना देना नहीं है, और जबकि 99% बच्चा क्या लगा करके आता है कि सर सड़क, और ये बहुत बुरी तरीके से गलत हो जाता है क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट, मजे मजे में पढ़ना है, कोई टेंशन नहीं लेनी, आराम आराम से पढ़ते चलो, मुझे बता देना 6 महीने में जो मिली या नहीं। कक्षा का संबंध छात्र, यानी कक्षा में हमेशा कौन होंगे, छात्र होंगे सर। उसी प्रकार से प्रेक्षागृह, प्रेक्षागृह होता है एक ऑडिटोरियम, तो प्रेक्षागृह में कौन बैठता है, हमेशा दर्शक है क्या, ये रहा दर्शक, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, जिस प्रकार तालाब का संबंध स्थिर पानी से, यानी तालाब है चारों तरफ से बंद होता है वो, तो तालाब कैसा होता है, स्थिर पानी, रुका हुआ पानी होता है वहां पर। उसी प्रकार प्यारे बच्चों नदी, तो नदी, नदी रुकी हुई थोड़ी होती है, नदी में पानी हमेशा बहता रहता है, तो हम कहेंगे प्रवाही पानी है कहीं, प्रवाही पानी ये रहा, ठीक है। नेक्स्ट, रुक जा भैया, केक, केक का संबंध क्या होता है, खाने से होता है, केक क्या करते हैं आप लोग, खाते हैं, तो उसी प्रकार शिकंजी का संबंध किसके साथ होता है बेटे, पीने के साथ होता है, पीते हैं हम लोग, पीना भैया। देखो इधर, पृथ्वी, पृथ्वी का संबंध क्या, सूर्य से, यानी पृथ्वी परिक्रमा करती है बेटे किसकी, सूर्य की परिक्रमा कर रही होती है। उसी प्रकार चंदा मामा किसकी परिक्रमा करते हैं, चंदा मामा, चंदा मामा भी परिक्रमा करते हैं किसकी, पृथ्वी की, ठीक है, इसका आंसर होगा पृथ्वी। नेक्स्ट, जिस प्रकार आशा का संबंध चमक से है, चमक यानी आशा, मैंने कहा आप लोग सारे के सारे पुलिस में सेलेक्ट हो गए तो आपके चेहरे पर आशा हो गई, यानी आशा के साथ साथ आपके चेहरे पर क्या आ गई, चमक। उसी प्रकार निराशा, मैंने कहा अरे कुछ बच्चों का गलत पेपर हो गया इस बार, वो बेचारे बाहर हो गए, डाउट हो गया या उसमें कोई दिक्कत हो गई, एक नंबर से बेचारे बाहर निकल गए, होता है जीवन है, सुख दुख लगे रहते हैं, तो जैसे ही निराशा होगी तो आप कहेंगे सर मेरे चेहरे पर क्या छा गई उस दिन, उदासी। उस दिन क्या छा गई थी सर, उदासी, जिस दिन मेरा रिजल्ट मेरे पक्ष में नहीं आया था।
आगे चलो भैया। जिस प्रकार अच्छे का संबंध बुरा, यानी अपोजिट वर्ड ज़्यादा होते हैं इसमें, अच्छा बुरा, उसी प्रकार सद्गुण, तो भैया इसे हम कहेंगे दुर्गुण। निर्गुण मत लगा देना, चेक कर लेना, ये गलत होगा, दुर्गुण होता है इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट। क्रिकेट का संबंध बैट के साथ होता है, क्रिकेट किसके द्वारा खेला जाता है? बैट के द्वारा। तो हॉकी किसके साथ खेली जाएगी? स्टिक के द्वारा बेटे। नेक्स्ट पढ़ते चलिए बस मेरे साथ, एक से एक बढ़िया क्वेश्चन लाया हूँ आपके लिए। चलिए खत्म हो गए। बताओ प्यारे बच्चों कैसी लगी आज की क्लास? बढ़िया लगी? चलिए उम्मीद करता हूँ कि ये क्लास आपके लिए बेहद लाजवाब रही है, और आप इस क्लास को मेरे कहने से कम 2 से 3 बार देखिएगा। आने वाले जो भी पेपर आपके आ रहे हैं, जो भी परीक्षा आपकी है, जो भी हो आपकी, उस परीक्षा में यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन आपको दिखने को जरूर मिलेंगे। ये वाले ना मिले तो इन जैसे मिल जाएंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, अच्छे से पढ़ते रहिए, फिर अगली बार मुलाकात करेंगे जल्दी एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।